वेलकम टू चार्ट ट्रेडर्स। आज हम इस वीडियो में स्टॉक टू ट्रेड फॉर नेक्स्ट वीक के बारे में बात करेंगे। ओके, सो मेरा पहला स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फ्राइडे को निफ्टी डाउन था, मार्केट वीक था, स्टिल महिंद्रा महिंद्रा ने नियरली अपने हाई के नज़दीक क्लोज दिया है और पिछले 5 या 6 दिन के क्लोज के ऊपर उसने क्लोज दिया है। सो अब आपको क्या करना है, अब ये हाई के ऊपर आपको बाई करना है, दैट इज़ अराउंड 618 और 660 और फॉर अ टारगेट ऑफ 680। अगर वो सस्टेन हुआ और मार्केट सपोर्टिव हुआ तो वो 700 तक भी जा सकता है। ओके, सो इट्स अ गुड स्टॉक। अगर आप ये वीकली पे, अगर आप डेली पे एक बार देख लो, आप देख सकते हो वो पैमा के ऊपर है, वहाँ से सपोर्ट लिया है तो, और पिछले कितने दिनों के हाई के ऊपर उसने क्लोज के ऊपर क्लोज दिया है, तो नाउ इसके ऊपर आपको बाय करना है। और आप देख सकते हो यहाँ पे भी ऑसिलेटर में वो इंक्रीज हो रहा है विद अ ग्रे के कैंडल, सो इसके ऊपर बाय करना है फॉर टारगेट ऑफ 680 एंड 700। सो ये हमारा पहला स्टॉक था महिंद्रा एंड महिंद्रा। दूसरा स्टॉक है अडानी पोर्ट्स। सो आप देख सकते हो अडानी पोर्ट में भी डेली पे वो पैमा पे सपोर्ट लेके उसने 3 या 4 दिन के क्लोज के ऊपर क्लोज दिया है आज। अब आपको इसके ऊपर बार कहना है 360 के ऊपर फॉर अ टारगेट ऑफ 367। ओके, वहाँ तक जा सकता है। अगर डाउन में आपको मिले तो आप 350 से भी बाई कर सकते हो और 350 to 3 के नज़दीक आप बाई कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 666 एंड सेकंड टारगेट अगर वो सस्टेन हुआ तो वो 378 तक वो जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट वीक हो इसलिए आपको 6 स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे। अगर ये नज़दीक पैमा के नज़दीक अगर आए, मार्केट वीक हुआ और ये लेवल सस्टेन हुआ 335, तो यहाँ पे आप एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। सो मार्केट की कंडीशन क्या है उस हिसाब से बाय करना है और ये कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाय करना है। अगर डाउन साइड पैमा के नज़दीक या फिर ये लेवल के नज़दीक आया 333, तो आप बाय करके चल सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 366 एंड फॉर अ 380। सो इट सेकंड स्टॉक था अडानी पोर्ट्स। थर्ड स्टॉक है मेरा, दैट इज आरबीएल बैंक। अब आरबीएल बैंक आप देख सकते हो पैमा के अंदर है, ओके, वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो मैं सेल कब करूँगा, मैं 176 के बिलो यहाँ पे फॉर टारगेट ऑफ 170। ओके, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो आप कल मॉर्निंग में मंडे मॉर्निंग में भी अगर मार्केट वीक है तो आप सेल कर सकते हो फॉर टारगेट ऑफ 170। इसका ये एक रीज़न है कि आप अगर वीकली पे देखो एक बार, ओके, तो पैमा पे वो रेजिस्टेंस दे रहा है। आप देख सकते हो डाउन था, यहाँ पे अंदर आया, रेजिस्टेंस वापस डाउन आ सकता है। ओके, सो इसीलिए आप डेली बेसिस पे 170 के टारगेट के लिए आप सेल कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वीक में कभी भी आपको अच्छा मार्केट सपोर्टिव नहीं है तब आप लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी आरबीएल बैंक। ओके, सो और यहाँ पे भी देखो पैमा में ऑसिलेटर में वो रेड हो रहा है डाउन साइड। नेक्स्ट स्टॉक है सुंदरम केमिकल। आप देख सकते हो इसने बढ़िया सी मूवमेंट फ्राइडे को दी है। ओके, और कितने मंथ के हाई के ऊपर, आई थिंक 2 ईयर्स का कंसोलिडेशन था, उसको ब्रेक किया है। ओके, तो आप हम देखते हैं वीकली बेसिस पे, हम अगर चाहे तो आप देख सकते हो। ओके, वीकली बेसिस पे आप देख सकते हो उसने यहाँ से, दैट इज 509, ये था आई थिंक अगस्त में था, 30 जुलाई अगस्त को उसको ब्रेकआउट करके सस्टेन किया, तो अब डेफिनेटली वो 630 और अगर वो उस क्रॉस हुआ तो 700 तक भी वो जा सकता है। ओके, 630 और उसके बाद 700, तो ये पोजिशनली भी आप रख सकते हो। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक है, 2 साल के कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट किया है। अगर मार्केट वीक है और आपको अपॉर्चुनिटी मिले बाइंग की, तो आप अराउंड 480 और 430 तक भी अगर आए तो आप वहाँ पे बाई करके चल सकते हो। तो पार्सली बाई करो, ओके, और स्टिक आपको इस कैंडल के हाई के ऊपर ही बाई करना है। अगर इंट्राडे करना है आपको 100 या 200 या फिर 500 से लेके, तो 537 के ऊपर ही आपको बाई करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 580। ओके, अब कब आता है वो हम देखेंगे, 650 का बाद है, बहुत जल्द आएगा क्योंकि उसने 2 साल के कंसोलिडेशन को ब्रेक किया। ओके, सो ये 4 स्टॉक थे नेक्स्ट वीक के लिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अदानी पोर्ट्स, आरबीएल बैंक एंड सुदर्शन केमिकल।
इफ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद अदर्स. थैंक यू.